सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की भारत के लोग सबसे ज्यादा नारी जाति को सम्मान करते हैं। सब लोग नहीं, जो सचमुच भारत के संस्कृति से जुड़े हैं गहरे, वो माता को ज्यादा सम्मान करते हैं। इसीलिए भारत को माता कहते हैं। कई देशों में हम जैसे मदरलैंड भारत माता हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि तो कह सकते थे। लेकिन मातृभूमि कहते हैं, कई देशों में पितृभूमि कहते हैं, फादरलैंड। भले हम भूल रहे हैं, उतना नहीं है, स्त्रियों का असम्मान लोग करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे, दुराचरण करने लगे, पर फिर भी हमारी संस्कृति, हमारे लोग यही बताते हैं, माता। इसीलिए पता है ना, हम अपने देश को पितृभूमि नहीं बोलते, मातृभूमि बोलते। तो इसीलिए हम माता का जयकारा लगाते हैं। और विरक्त शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज तो किसी नारी जाति से पैर नहीं छुआते थे। कन्याओं से तो बहुत लोग नहीं छुआते, कन्याओं को पूज्य मानते हैं, पर पूज्य वामदेव जी महाराज नारी जाति से पैर नहीं छुआते थे, क्योंकि वो पूज्य होती है। और नवरात्रे में तो संत भी बेटियों के पैर धो के पैर छूते हैं, दक्षिणा देते हैं, खिलाते हैं। हमारे कई संत ऐसा करते हैं। मां मंडलेश्वर चित प्रकाश लड़कियों को भंडारा करेंगे, पैर धोएंगे, पैर छुएंगे। इसलिए कि माता पूज्य है। एक बात जो दोहरा चुके, कई बार कह चुके हैं, विवेक वैराग्य सत्संपत्ति मुमुक्षुता, चार जिसके पास हैं वे चौ साधन सहित नर। जो मनुष्य चार साधन संपन्न है सो अधिकृत मतिमान, वो बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनने के पात्र है। और ऐसा व्यक्ति यदि कथा सुने तो कथा सुनते ही मुक्त हो जाएगा। पर हम में चार चीजें नहीं है, चार साधन नहीं, विवेक नहीं है, यदि है तो वैराग्य नहीं है। वैराग्य जो नहीं रहने वाला है उसमें आसक्ति क्यों, नहीं रहने वाला जाएगा, आसक्ति होगी तो रोगे, दुखी रहोगे।
तो नहीं रहने वाली चीजों से वैराग्य, ये मेरी नहीं है, उपयोग कर लेता हूं, मेरा तन नहीं है, मेरा धन नहीं है, मेरा परिवार सब जाने वाला है, इसलिए विवेक हो और न रहने वालों से वैराग्य हो। और शरीर रहते कुछ न कुछ होता है, इसलिए सच संपत्ति छह धन। अभी आप लोग एक ही धन जानते हो, इस रास्ते में चलने वाले को छह धन चाहिए। सच संपत्ति, थोड़ा कष्ट सहना या कष्ट सहने के लिए तैयार रहना। आपको वैराग्य भी एक दिन नहीं रहेगा, गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, कभी कभी थोड़ा आगे पीछे होने पर घर में लड़ाई हो जाती है भोजन में। तो ये तो होगा, कभी कभी आश्रम हो चाहे कहीं हो, यात्रा में जाते हो तो कम सुविधा में भी दुखी नहीं होते हो, लेकिन जहां अपना अधिकार मान लेते हो वहां कम सुविधा हो तो लड़ जाते हो, मन में अश्रद्धा हो जाती है। जैसे यहां अभी आगे उत्तराखंड में जाओ तो जैसा होगा निभाओगे, पर यहाँ अधिकार समझते हो, हमारे स्वामी जी का आश्रम, हमें ये नहीं पूछा, हमें ये ऐसी जगह नहीं दी, तो मन बिगड़ जाता है। तो कष्ट सहने को तैयार रहना, सम दम श्रद्धा, तीसरी समाधान उपराम, छठे तितिक्षा जानिए, भिन्न भिन्न ये नाम, ये छह संपत्ति है। ठीक है, सम मन विषयन से रोकनो, समते ही कहा तो सुधीर, मन को विषयों में आसक्त न करना, मन को कंट्रोल करना, ये सम है। और इंद्रियों को विषय से रोकना, अनुकूल प्रतिकूल हैं तो थोड़ा सहना, ये दम है। और श्रद्धा, वेदांत और गुरु के वाक्य सच्चे हैं ऐसी श्रद्धा, ये छह धन चाहिए इस रास्ते में, शाम दम श्रद्धा और समाधान, मन को शांत रखना, परिस्थितियां बदलेगी तो मन को शांत रखना, ये समाधान। और उपराम, उपरामता के बड़े उदाहरण है, एक जगह आग लगी थी, एक मस्त संत पड़े थे, तो किसी ने कहा आग लगी है, बार बार अग्नि जले, तो मस्त संत कहते नजर हमारे कौन करे, कौन देखे, ठीक है लगी है लगी। उपराम, जो होगा होगा, राजी रहना, उपराम। और छठवां धन है तितिक्षा, कष्ट सहना। आ गया, कई जबरदस्ती धूप में मरेंगे, आग तपेंगे, लेकिन जरा देर आपकी व्यवस्था में कष्ट हो जाए तो लड़ जाएंगे। तो ये क्या है, कष्ट कब सहना, एकादशी का व्रत कर लो और आश्रम में मान लो किसी दिन भोजन न मिला या देर हो गई, तो जब भगवान परिस्थिति पैदा कर दे उस दिन व्रत कर लो,
रोज वाला करो ना करो, कभी थोड़ा देर में मिला सह लो, ये है तितिक्षा। अपनी मर्जी से दिन भर भूखे रह लिया। हर धर्म में माताओं का करवा चौथ, मुस्लिमों के भी कई त्योहार, एकादशी, कई लोग कई दिन में एक ही बार लेंगे, और आश्रम में किसी दिन एक बार मिले, आपका निर्णय नहीं, आश्रम की तरफ से ही लेट हुआ, नहीं मिला, एक बार लड़ गए। तो भगवान जब हमसे व्रत करवाए तब कर लो। परिस्थितियां जब हमें ऐसा अवसर दे दें, स्वागत करो, तैयार रहो। जब भगवान हमें ऐसा अवसर देंगे, सदा तैयार। अपने आप लोग प्रेम में सुसाइड कर लेते हैं, बहुत जगह जोड़े ऐसे मरते हैं। अपन भगवान जब हमको चाहेंगे, हम तैयार, जब बुलाओगे स्वागत, तैयार। और यहां तक तैयार रहो, कहां जाएंगे ये भी ज्यादा ना सोचो, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। हमारा परम पिता है, मालिक है, वो जो सोचेगा ठीक है। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे। हम जिधर चाहेंगे उधर जाएंगे नहीं, ये घर में भी हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हम जो चाहेंगे वो खाएंगे, ये हम चाहेंगे सो ही करेंगे। आजकल के बच्चे क्या हैं, जो हम चाहेंगे सो खाएंगे, वही बनाओ, हम चाहेंगे वही करेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे। ये पर हमारी संस्कृति क्या है, ये भक्तों की बनाई है संस्कृति। क्या है, हम जो करेंगे जो घर वाले करेंगे। क्या खाओगे, एक बार मेरे से पूज्य ब्रह्मलीन निर्मल जी, उन्होंने कहा क्या खाओगे, बोलो क्या चाहते हो वो बने। हमने कहा जो बनेगा वो खाएंगे, ये खाएंगे नहीं, जो बनेगा खाएंगे। हमारे यहाँ अब धीरे धीरे बदल रहा है, शादी कहाँ करोगे, जहाँ माता पिता करेंगे। अब अपन चला के देखते हैं, बुलवा के देखते हैं, 100 प्रश्न करते हैं, देख करके शादी करते हैं, तलाक हो जाता है। बिना देखे माता पिता करते थे, कभी तलाक नहीं होते थे। क्यों, तब हम राजी रहते थे, जो परिस्थिति है ठीक है, जहाँ ब्याह हुआ ठीक है, भगवान ने यही चाहा, जो भगवान ने चाहा स्वीकार, सब कुछ भगवान का निर्णय स्वीकार है। अपन हर काम चाहते हैं भगवान हमारे निर्णय पे चले। भक्ति क्या है, आपकी भक्ति क्या है, जो हम चाहें भगवान करें, निर्णय हम करेंगे, भगवान हमारा नौकर, जो हम चाहें वो करें। हम भक्त हैं, मालिक नहीं है, वो जो करेंगे हमें स्वीकार है, ये भक्ति है। और ये घर से शुरू हो जाती है, जो भगवान को नहीं जानते हैं, शादी कहाँ करोगे, जहाँ माता पिता करेंगे। कौन सा काम करोगे, जो माता पिता कहेंगे। कहाँ जाना है, ये निर्णय पिता करेंगे, हम उनके निर्णय से चलेंगे। और पहले भी हम एक बार बोल चुके, जब मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी चुनाव जीत गई थी शायद कांग्रेस, अब जीती थी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, पर उनको मुख्यमंत्री न बनाकर पंजाब का गवर्नर बना दिया।
राष्ट्रपति का वो राज्यपाल की उतनी कोई वैल्यू तो होती, मुख्यमंत्री के बड़े पावर हैं, बड़ा अधिकार है, लाभ है। तो पत्रकारों ने पूछा कि चिढ़ गए होंगे, दुखी होंगे, मुख्यमंत्री के बजाय राज्यपाल बना दिया। तो पत्रकारों ने पूछा तो कहते थे हम पार्टी के अनुशासित कर्मचारी, अनुशासित है, पार्टी जो निर्णय करती है ठीक है, लो माने। अभी ईश्वर भक्ति ना सही, पार्टी भक्ति ही सही। भाई पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पार्टी के तो हम एक अनुयायी है, जो पार्टी ने निर्णय किया ठीक है, हम निर्णय करे पार्टी वो करे। हर हर जगह भक्ति कर सकते हो, आश्रम में, देश में और भगवान में, किसी रूप में भी। अपने निर्णय का महत्व न देना, जिसके हमें उसके निर्णय का सम्मान करना और दुखी नहीं होना, प्रसन्नता पूर्वक। हम राम के भगत हैं, ये तो सबको मालूम है ना। मोटी बात राम का क्या हुआ, तिलक की घोषणा। कल्पना करो, तिलक की तैयारी हो गई, अब वनवास दे दिया, पिता से लड़े नहीं राम, जिद नहीं की, वनवास चले। लोगों ने पूछा तो लोग सोचेंगे कि पिता को बुरा कहेंगे, पिता के निर्णय को उनको ये नहीं चाहिए था, दशरथ स्त्री के गुलाम थे, उसके कहे पर चले। तो राम शायद इस दुख में कोई बड़े पिता को उल जलूल बोले, कहते हैं आपको वनवास क्यों दे दिया। कहते वनवास थोड़ी दिया, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वन मंत्री बनाया, जंगल का अधिकार दिया है, जाके ठीक करूं। ये भक्ति है। तो अपने से बड़ों के निर्णय पे चलने की आदत डालो तो कल ईश्वर के निर्णय को भी मानने की योग्यता आ जाएगी, आजीवन धन्य हो जाएगा। तो आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। आज सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, ब्रह्म ज्ञान की पात्रता। ऐसे व्यक्ति को बता दो कि आत्मा जन्म मरण रही थे, वो ऐसे ही मस्त थे। इसलिए शांत चित्त वाले, विक्षेप मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, मल और विक्षेप दो है नहीं, कोई इच्छा नहीं है, मन मलिन नहीं, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, वे चौ साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। ऐसा व्यक्ति वेदांत सुने जीवन धन्य हो जाए। तो पात्रता लाइए, फिर वेदांत सुनिए। ओम शांति शांति शांति।